2019 और 2024 में दाखिल किए गए हेमंत सोरेन के चुनावी हलफनामे पर गौर कीजिए। 2019 के चुनावी हलफनामे में हेमंत सोरेन की उम्र 42 साल है, जबकि 5 साल बाद 2024 में दाखिल हलफनामे में हेमंत सोरेन की उम्र 49 साल लिखी गई है, यानी 5 साल में हेमंत सोरेन की उम्र 7 साल बढ़ गई। अब इन दोनों एफिडेविट का हवाला देते हुए बीजेपी सवाल पूछ रही कि ऐसा कैसे हो सकता है, हेमंत सोरेन पर चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। चुनाव आयोग को देखना चाहिए, अगर कुछ उन्होंने गड़बड़ रखा है तो उसको ठीक करना चाहिए उसका, और कानून के तहत उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। हेमंत सोरेन जी किस पाठशाला में 5 साल में उसकी उम्र 2 वर्ष अतिरिक्त वृद्धि हो जाती है, मैं चुनाव आयोग को इस संज्ञान में देना चाहता हूँ। हेमंत सोरेन की उम्र को लेकर बीजेपी चौतरफा हमला बोल रही, उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा उनके बचाव में जुटा है। कोई एफिडेविट दिया जाता है तो उसके साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच किए जाते हैं, आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, मार्कशीट होता है 10वीं का, वो अटैच है, और उसमें अंकित है कि हेमंत सोरेन जी की उम्र 49 ईयर्स है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ये तो बता रहे हैं कि 2024 के हलफनामे में डॉक्यूमेंट के आधार पर उम्र दर्ज की गई है, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि 2019 में हेमंत सोरेन के हलफनामे में उम्र 42 साल कैसे दर्ज है। सवाल ये भी कि जब मुख्यमंत्री के ही दो दस्तावेज सही नहीं है तो जरा सोचिए कि जनता का हाल क्या होगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.